हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी वेल इनफ यानी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आ गई हूँ आप सभी के बीच एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से, रैली भर्ती 2024 के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको इसमें वेरियस टाइप के पोस्ट है, जैसे कि सोल्डर, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, स्टोर कीपर, मतलब सबको कंबाइन करके अगर बात करें तो सीट बम्पर नंबर की रहने वाली है। तो अगर आपका भी सपना था कि इंडियन आर्मी में आपको जॉब करना है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कंप्लीट डिटेल में इस पोस्ट के बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आपको पहले ही बता दिया कि इंडियन आर्मी में रैली रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग आउट हो चुकी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो पहले हम लोग देख लेते हैं किस किस पोस्ट के ऊपर है। ट्रेड्समैन, सोल्जर, जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, इन सभी को कंबाइन करके अगर बात करें तो आपका सीट ना 25,000 के अप्रोक्स होने वाला है। मतलब कि फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मतलब आपका पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। देखिए, ट्रेड्समैन की पोस्ट के लिए 8th या फिर 10th, दोनों में से कोई भी डिग्री आपके पास है, अगर आप 8वीं पास हो या फिर 10वीं पास हो, आप इलिजिबल हो। शर्त बस इतना है कि दोनों में आपका 33% कम से कम पासिंग मार्क्स होना चाहिए। सोल्जर जीडी के लिए आपका 10th पास आउट होना जरूरी है, उसमें आपका टोटल 45% मिनिमम होना चाहिए, साथ ही साथ हर सब्जेक्ट में 33% आपका होना चाहिए, ठीक है। क्लर्क की पोस्ट के लिए 12वीं पास कैंडिडेट इलिजिबल है, टोटली आपका 60% होना चाहिए 12th में, और हाँ, सब्जेक्ट वाइज आपका 50% हर सब्जेक्ट में होना चाहिए। टेक्निकल की पोस्ट के लिए 12th पास आउट कैंडिडेट, लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि जिनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है इंटर में, वो इलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ इंग्लिश में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए और 40% बाकी के हर सब्जेक्ट में, ठीक है। आई होप कि ये वाला पार्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि अप्लाई करने का डेट क्या रहेगा। देखिए, ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है 8 फरवरी से, लास्ट डेट 21 मार्च 2024 है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। अगर आप इच्छुक हो कि आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, फॉर्म ऑनलाइन है, जितना जल्दी हो अप्लाई कर दो। हाँ, अप्लाई करोगे तो फॉर्म का फी क्या लिया जाएगा, सभी कैंडिडेट से 250 रुपया फॉर्म फीस लिया जाएगा, ठीक है। एज की लिमिट है, सामान्यता आपको पता है कि इंडियन आर्मी का क्या होता है, 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष के जो भी कैंडिडेट है सभी यहाँ पर इलिजिबल रहेंगे। सिलेक्शन की प्रोसेस में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, जैसा आप पहले देखते थे अभी थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आया, आइए मैं समझा देती हूँ। सिलेक्शन आपका 4 स्टेज से गुजरने के बाद होगा। कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, मतलब कि ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, उसके साथ आपका टाइपिंग होगा एट अ टाइम, ठीक है। पहले आपका ऑफलाइन एग्जाम होता था, लेकिन अभी कंप्यूटर आधारित परीक्षा और उसी के साथ टाइपिंग का टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल और लास्ट में आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें किस पोस्ट के लिए क्या सिलेबस है। यहाँ पर देखिए, जीडी और ट्रेड्समैन का सेम एग्जाम पैटर्न होता है, 50 प्रश्न 100 नंबर के लिए, मतलब कि हर प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेगा। समय 60 मिनट, मतलब 1 आवर का पेपर होगा। सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर देख लेते हैं, जीके से 15 क्वेश्चन है, साइंस यानी विज्ञान के 15 प्रश्न है, मैथ से 15 प्रश्न है, रीजनिंग से 5 प्रश्न है। टोटल आपका 50 प्रश्न है 100 नंबर के लिए, समय 1 घंटे का, ठीक है। और आगे देखिए, क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए जो एग्जाम पैटर्न है, इसमें आपको 50 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के लिए, मतलब हर क्वेश्चन पे 4 नंबर दिया जाएगा। समय 60 मिनट इसका भी है, मतलब 1 घंटे का।
सब्जेक्ट की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज से 5 आपका क्वेश्चन होगा, साइंस का 5 क्वेश्चन, मैथ का 10 क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर से 5 प्रश्न होगा और इंग्लिश का 25 प्रश्न होगा। ठीक है, तो इस पोस्ट का भी क्लियर हो गया। अब लास्टली जो आपका टेक्निकल सब पोस्ट होता है उसके लिए भी आपका 50 प्रश्न का परीक्षा होता है, 200 नंबर के लिए समय मिलता है 60 मिनट, मतलब 1 घंटे का आपका यहाँ पर पेपर हुआ। जनरल नॉलेज से 10 प्रश्न होगा, पता है कि टेक्निकल है और उसमें पीसीएम की रिक्वायरमेंट है। फिजिक्स से यहाँ पर 15 प्रश्न होगा, मैथ से 15 प्रश्न और केमिस्ट्री के 10 प्रश्न। आई होप कि एग्जाम का पैटर्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। जब एग्जाम में क्वालिफाई हो जाओगे आप तो आपका फिजिकल होता है, तो फिजिकल में क्या सब होता है आइए मैं क्लियर कर देती हूँ। देखिए, आपकी रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर का रनिंग है। जो 5 मिनट 30 सेकंड में इस रनिंग को कंप्लीट करते हैं उनको मिलता है 60 नंबर। 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक जो कंप्लीट करेंगे उनको यहाँ पर 48 नंबर मिलता है। उसके बाद आपका पुलअप्स होता है 10 टाइम्स, ये आपका 40 नंबर का होता है। हाइट भी यहाँ पर मेजरमेंट होती है। क्लर्क के पोस्ट के लिए मिनिमम हाइट 162, मतलब 162 सेंटीमीटर। अदर जो भी पोस्ट है उसके लिए 170 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। उसके बाद आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है 77 सेंटीमीटर आपका मिनिमम होना चाहिए, साथ ही साथ 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन, मतलब कि 7 5 12 82 सेंटीमीटर, 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद आपका 2 टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। 9 फीट का डिच, मतलब 9 फीट की गहरी खाई आपको बनानी होगी, और उसके बाद जिगजैग बैलेंस, मतलब रस्सी पे जो बैलेंस करते हैं वो वाला टेस्ट होगा। ये दोनों ही क्वालिफाइंग है, तो ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है आपको क्वालिफाई करना। वैसे तो सारे टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना है। और फ्रेंड्स, ये आपका जब हो जाता है फिजिकल, तब आपका मेडिकल होता है, फिर आपको डीवी होगी और ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी, और उसके बाद इंडियन आर्मी की तरफ से आपको जहां पे भी रिक्रूटमेंट किया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, जहां भी सीट अलॉट होगी वहां पर आपको जॉब करना होगा। एज यू नो कि अभी जो भी वैकेंसी आ रही है अग्निवीर के तहत रैली आ रही है, तो इसमें आपका 4 ईयर्स का जॉब होता है, तो सैलरी पर ईयर डिफर करती है। तो आइए मैं बता देती हूँ, फर्स्ट ईयर आपको 30,000 की सैलरी मिलती है, सेकेंड ईयर 33,000, थर्ड ईयर 36.5, मतलब 36,500 रुपये, चौथे साल यानी लास्ट साल आपको 40,000 पर महीने दिया जाएगा। उसके बाद जब आप रिटायर करते हो, मतलब कि आप एग्जिट कर जाते हो, आपको लीव कर दिया जाता है, 4 ईयर्स का ही जॉब है, तो आपको 11.71 लाख मिलता है सेवानिधि पैकेज के थ्रू, आपको ये अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी इस पोस्ट से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज आप चाहो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों जगह फॉलो करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। और इन सभी जो भी जॉब अपडेट की जानकारी मैं आपको देती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसका आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां पे फॉलो कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि आप कुछ समझ पाए हो, तो प्लीज एक वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।